कार वॉश चल रहा है यहाँ पर, ऐसे लग रहा है। मजा आ रहा है यार। हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग ने डिसाइड किया है, मॉनसून है मुंबई का, आपको जैसे ही पता है बारिश लगी हुई है दबा करके। तो आज हम जा रहे हैं मलशेज घाट, हालांकि थोड़ा लेट हो चुके हैं फिलहाल के लिए। तो लगभग 3 बजे दोपहर के हम लोग रुके हैं साईं कृपा में और यहाँ किया है लंच। बट यहाँ आते आते ट्रैफिक थी, बारिश थी, सब चीज़ें मिली। और जैसा कि गूगल मैप्स के हिसाब से आए थे, तोंबीवली के रास्ते होते हुए शायद वो जो रास्ता नासिक वाला है ना, सो कुछ ख़राबी थी उसमें दिखा रहा था। और अभी चलेंगे मलशेज घाट, मुझे लगता है शाम के 5 बज जाएंगे, पर अभी तक पता नहीं है कि वहाँ रुकेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है। बट हाँ, कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलिए चलते हैं मलशेज घाट की ओर। गाड़ी की स्पीड रखी है लगभग 20 और यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं, कर्जत से होते हुए जा रहे हैं मलशेज घाट और मज़ा आ रहा है फिलहाल के लिए यार। जंगलों के बीचों बीच, कर्जत के जंगलों के बीचों बीच से होते हुए गाड़ी मस्त चल रही है यार, मज़ा आ रहा है ना। तो कर्जत से जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं ना, छोटा रोड है और एकदम मस्त मस्त छोटे छोटे रोड में पेड़ हैं, बीचों बीच चलते हुए जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए रुके हैं, टॉयलेट वगैरह करना है और मैं अभी पीछे बैठूंगा, वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाई थी। मुंबई से आते आते लग गया हमको लगभग तकरीबन 50-60 किलोमीटर पूरा करने में ना लग गया था हमको 3-4 घंटा, बट अभी 60 किलोमीटर अभी भी बाकी है, अभी भी हमको मलशेज घाट पहुँचना है। वहाँ जाके हम लोग डिसाइड करेंगे कहीं रहना है कि नहीं रहना है, या तो वापस आना है तो आ जाएंगे। नदियों में यहाँ की देखो पानी भर चुका है, डैम नहीं है बाबा, पानी है, पानी भर चुका है, अच्छा लग रहा है यार। अब जाके थोड़ी सी मतलब शुरुआत की है हमने पहाड़ में चढ़ने के लिए मलशेज घाट की ओर, और तकरीबन 30 मिनट अभी भी दिखा रहा है, अभी भी अपने हाथ में 30 मिनट है। और सूरज तो ढल चुका है, सूरज वैसे क्या कहते हैं, बारिश हो रही थी, बादल थे, तो सूरज तो दिखने लायक था ही नहीं, बट व्यू हम आपको जरूर दिखाएंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में। फिलहाल के लिए कैमरामैन आकाश ठाकुर विद कमलन ठाकुर द ड्राइवर एंड को मिस्टर को मिसेस को पायलट स्वाति। पहाड़ों की वाइब्स जो है ना कि अलग ही होती है, और जैसे ही जैसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ने लगे तो एनर्जी एकदम राइज हो चुकी है, और ये मन जो हवा मंद मंद थी अब तेज हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि शरीर में एक भौचाल आ चुका हो, एक तूफान आ चुका हो कि हाँ भाई हम जिस ओर जा रहे हैं, जिस ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि लेट हुए हैं और मेरे पापा ने 100 के ऊपर स्पीकर। पहुंचे नहीं है पर बारिश बहुत तेज लगी है, बहुत ही ज़्यादा, विजिबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है, ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं फिलहाल के लिए। पहला पॉइंट पब्लिक एंजॉय करते हुए यार, मस्त ऊपर से झरना गिर रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है यार। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है बुक्के की, जैसे जैसे आपको चाहिए। यहाँ पर पार्किंग भी है, रास्ते से आए थे बस, अभी फिलहाल और ऊपर जाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर जगह एक पॉइंट मतलब घूमने का पॉइंट है। आगे का फिलहाल के लिए विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस है, देख सकते हैं आप आगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बारिश बहुत तेज़ है। थोड़े से पॉइंट, थोड़ा सा एक पॉइंट था जहाँ हम रुके थे, मैंने आपको दिखाया, अभी जो मेन पॉइंट है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। Thank you.
पर हम लोग की दाल नहीं गल पाई, हवा बहुत तेज थी, ना कोई पिक ले पाए हैं और ना ही आप को वीडियो बना पाए आप सबके लिए। बट वेदर आप देख ही रहे होंगे कि कैसा है, आज थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है। पिक्स खिंचा रहे हैं, ठीक है। मेन पॉइंट अगर आप गूगल करेंगे ना तो मेन मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मेन पॉइंट बनाया गया है एक ऐसे एकदम आगे जा कर के, और नीचे एकदम खाई है, तो वो पॉइंट बहुत प्रसिद्ध पॉइंट है। ऊपर देख रहे हैं आप, पूरा इस रोड में ऐसे ही पानी ऊपर से गिर रहा है, पर थोड़ी सी शंका इस बात की है कि पत्थर भी हैं, थोड़ा सा डर तो लगता है, भयभीत हो ही रहे हैं, और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो यार आप, ये मस्त है ना, तो मस्त मज़ा आ गया है। फुल रास्ते में हमें ऐसी ही फीलिंग आई थी, एकदम मस्त। ये देखिए यहाँ पर एक सामने मंदिर भी दिख रहा है, पानी बहुत तेज है यार, और मस्त मज़ा आ रहा है। मैं आगे कहीं रहने की सुविधा उपलब्ध होगी क्या? होटल है ना? कितना दूर होगा? नाशिक चलने के लिए? हाँ हाँ, MTBC एक है और मतलब ये मलशेज घाट यही है ना पूरा? हाँ, तो 3 किलोमीटर बाकी है, 3 किलोमीटर के बाद फिर रहने की चिंता आ जाएगी। हाँ, उसका है 2 होटल, 10 किलोमीटर में कहना है 2 होटल। और रास्ता अच्छा है ना, क्लियर है ना? तो आज फिर हम पक्का रुकेंगे यहाँ पर यार। ऊपर बोल रहे हैं कि सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर सब सुविधाएं उपलब्ध है, वड़ा पाव जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं, और वो मंदिर देवता भोले बाबा, अरे बाबा भोले बाबा का मंदिर, यहाँ के नज़ारे भाई अद्भुत हैं यार। वो देखो सामने रास्ता दिया गया है, ऊपर भी जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भुट्टा चाय जैसी जैसी आपकी जो चीज़ आप चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं लाया हूँ दीदी का कैमरा, थैंक यू सो मच निकी दीदी, पर ले रहे हैं यहाँ पर फोटो। वो बहुत तेज है यहाँ पर यार, देखिए भुट्टा आराम से यहाँ पर मस्त, आपको फील कराते हैं यहाँ पर कैसा होगा। ओहो पूरा भीग गया है। चलो गुड बाय करते हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर, और जो होटल मिलेगा जैसा मिलेगा आपको दिखाएंगे, भगवान करे अच्छा मिल जाए। छाता उठाया, वो रही अपनी गाड़ी। तो ये जो प्राणी, इनको पता ही नहीं कि क्या करना है ज़िंदगी में, बोलते चाय मैं पी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ, मतलब इन्हें ये एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, है ना, और इतना इन्जॉयमेंट किया। 12 बजे के बाद ठीक बोलते तो अभी जाके चेक इन किया है, मलशेज घाट के पास एक होटल है वहाँ पर चेक इन किया है। ये लीजिए ये होटल है, क्योंकि कल भी हमको नज़ारे लेने हैं मलशेज घाट के, मम्मी से बात हो रही है फिलहाल के लिए, तो अच्छा होटल है, जेन्युइन होटल है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है बस नहाते धोते हैं कपड़े चेंज करते हैं मस्त। तो ये रहा रूम नंबर 108, और पापा सब लोग रेडी हो चुके हैं, अभी बारी है डिनर की, डिनर नहीं किया है, रात के 8:30 बज चुके हैं फिलहाल के, तो डिनर हम लोग इनके रेस्टोरेंट में करेंगे। जैसे आप मलशेज में आगे आते हैं ना, ये रेस्टोरेंट हमें मिला था। ये है हमारा रेस्टोरेंट आज का, होटल मलशेज एग्जीक्यूटिव, ये पड़ा है ऑलमोस्ट विलेज होते हुए पुणे महाराष्ट्र। पापा बोल रहे हैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, पापा ज़्यादा पढ़ाई कर लिए होते ना तो UPSC पक्का क्लियर कर लिए होते आप। तो गाइस मंगाया है ये कुछ पटियाला है, कुछ अलग से ही है, पटियाला तड़का अच्छा है, वेज पटियाला पापा कह रहे हैं अच्छा है तो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। और दाल तड़का, और ये हो गई आपकी रोटी, और अभी खाते हैं, दूसरी विकेट भी चली गई है, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।
थाने की अगर बात करूँ ना यार, फर्स्ट क्लास था एकदम। मतलब गांव की जो भी सारा जो भी चीज़ यूज़ किया था, जब प्याज हो गया, सब एकदम प्रॉपर गांव का यूज़ किया था। मज़ा आ गया ना खाना खाने में, सभी से पूछ लो पापा खाना खाने में मज़ा आया ना, पापा को मज़ा आया एकदम मस्त एकदम। तो ये देखो सामने होटल मलशेज, उन्हीं का है ये, और यहाँ पर हम लोग अभी फोटो लेने वाले हैं। The next day. Morning, live all the way from Malshej Ghat. सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको ईद मुबारक, बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको, आपके परिवार को सुखमय रहे, एकदम मस्त जिंदगी बिताएं आप, खुशहाल जिंदगी बिताएं। तो बस यहाँ से निकलते हैं मलशेज घाट, 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीन क्या है कि 9 बजे से पहले कोई भी दुकान वगैरह खुलती नहीं है। तो बस ये रही अपनी ऑल्टो और यहाँ से निकले। यहाँ की एक खासियत बात मैं बताता हूँ, मलशेज घाट में ही सही है यार, चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग सोल्यूशन। तो गाइस व्यू ही इतना प्यारा था कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। वो देखो पहाड़ से, मतलब कैसे कैसे जो हम लोग इतना पानी है ना, कैसे एकदम मज़ा आ रहा है इतना फोटो कर। एक बात कहूँ मैं पहाड़ों की, कहते हैं कि मॉनसून सीजन में जैसे अभी हम आए हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी बारिश रुक जाती है। तो मतलब ज़िंदगी से अगर उसको इंटरलेट करें ना, कि खुशियाँ आती हैं खुशियाँ जाती हैं, ये आपके ऊपर हैं कि आप डिसाइड करें। जो खुशियाँ मतलब अगर दुख हैं तो उसमें भी आप सुख पा सकते हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ ये मेरे लाइफ प्रोस्पेक्टिव का है भाई, मैं किसी से नहीं लिया हूँ, ये अपना है, पेटेंट है। अभी रुके हैं फ़िलहाल के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ से आगे से माफ़ी चाहूँगा, किसी का घर है, घुसा नहीं मैं वैसे। ये देखिए क्या व्यू है यार, वहाँ से पानी गिर रहा है और वो देखिए पानी कैसे नीचे आ रहा है मस्त में, है ना, एकदम माहौल मस्त है। तो अभी मैंने कमांड संभाली है गाड़ी की, आराम आराम से चल रहे हैं, और ये व्यू देखो आप, दूसरे गियर पे डाल के रखिए, दोनों तरफ पहाड़, मस्त यार, मज़ा आ रहा है ना, आराम आराम से चल रहे हैं क्योंकि टाइम ही टाइम है अभी हमारे पास, है ना। देखो सुबह उठने का एडवांटेज ये हो गया कि हम लोग, है ना पापा जी, हर चीज़ को आराम से टाइम दे पा रहे हैं यार, और भगवान ने मतलब इतनी सुन ली हमारी कि थोड़ी सी बारिश रोकी है। और ये देखिए डैम, मैं आपको इसका नाम बताऊंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पी से है शायद, मेरे को जितना याद है। पब्लिक वहाँ पर खाना बना रही है, वाओ। ये देखिए, और ये रहा सामने डैम, ये देखिए सामने झरना, वहाँ पे की गाड़ी पार्क, और यहाँ पे ये दोनों का चल रहा है भाई, कैसे ना कैसे एडजस्ट करके फोटो ले ली, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रहता फोटो में, बट बढ़िया है यार, नीचे आए थोड़ा सा और मस्त माहौल बन चुका है, थोड़ा अंदर जाके जाएंगे तो और भी मस्त लगेगा, पर जाने नहीं चाहते यार रिस्क नहीं लेने का भाई। जैसे ही मलशेज घाट में पहुँचने वाले हैं, दृश्य लगभग सेम ही जो कल था, ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे आपको, पीछे फिलहाल के लिए क्लियर था तो हमने सोचा आगे भी वैसा रहेगा, बट नहीं, यहाँ पर दृश्य लगभग सेम। बारिश नहीं है इतनी ज़्यादा, छाता ले लो छाता, ये रखी गाड़ी यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे पार्किंग स्पॉट आपको मिलते रहेंगे। कल ये पेड़ देखा था ठीक था और आज गिर चुका है। तो ये रहा सामने स्पॉट जहाँ पर अभी हम लोग अपनी पब्लिक मचाने वाली है, कैसा व्यू है भाई, ये वही सेम पॉइंट है, यहाँ से आप सबको तो ज़्यादा देखा होगा, हमने भुट्टा खाया था और चाय ली थी, और ये रहा सेम पॉइंट, और आज हम लोग ऊपर जाएंगे पापा जी, ठीक है आ जाए। मेरे पापा बुखलाए हुए हैं क्योंकि कल हमने पापा को बोला था फोटो लेने के लिए, पापा ने दबाया जरूर पर फोटो नहीं ली थी, अभी पापा मान चुके हैं रिस्क लेने के लिए, यहाँ से जाएंगे थोड़ा इसमें ले लिए एक, अरे यहाँ से जा, यहाँ से पीछे से, मौसम एकदम चेंजेस आते रहते हैं, बादल कभी आ रहे हैं बादल कभी जा रहे हैं, ये फीलिंग्स ये इमोशन जो भी हम कैरी कर रहे हैं ना आप सबको दिखा रहे हैं, बस थैंक यू गॉड, यू हैव मेड अस टू सी दिस हेवन लाइक थिंग विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र नियर टू मुंबई, अराउंड 120 किलोमीटर, दिस इज़ अ रियल हेवन पापा फॉर श्योर,
It's a heaven, right? Yeah. Thank you so much. Thank you for Maharashtra. Yeah, yeah. Not even the Maharashtra. अब ये आ गया आपका क्या बोलते हैं टनल. लास्ट टाइम भी आपने छोटी सी टनल है पर बेहतरीन है. और हमारे ड्राइवर साहब जी ने ले खड्डों से लिया अभी फिलहाल के लिए और को पायलट मिस्टर आकाश ठाकुर. तो सारी सुविधाएं मैं बात करूं कि यहाँ पर उपलब्ध है. और ये देखिए बारिश. चाहे कोई मुझे जंगली कहे, नेचर इतनी डिलाइटफुल है. तो हम लोग इसको प्रण करें कि क्यों हम इसको मतलब खराब करें यार, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें. भाई ये व्यू तो मतलब ब्रेथ टेकिंग है. मतलब बयान नहीं है कुछ भी करने को. वो जो मर्सिडीज बेंज खड़ी है सामने दिख रही है यहाँ से रास्ता. पापा जी ये व्यू और वहाँ से पब्लिक आई यार, मस्त मजा आ गया एकदम. मजा आ गया ना पापा जी? अमेजिंग एक्सपीरियंस पापा जी का, स्वाति का. वाह यार. तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से और ये फीलिंग हमने मतलब फिजिकली भी ले ली. अब अपनी गाड़ी का कार वॉश कराते हैं, थोड़ा साइड से लेंगे. पापा रिस्क नहीं लेने जाते, ऑल्टो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना. चलिए बने रहिए वाइपर ऑन कर दीजिए. सर अब यहां पर चकते भटे पीछे गाड़ी तो नहीं. ओ नाइस यार, खालसा वाह गुरु जी की. निकल के ये मजा आ गया. आज तो मजे आ गए. ये ब्लॉग जरूर बड़ा होगा पर जरूर देखें यार. आगे कहाँ आ रहा है ना. वाह यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी and to be present here during the time of monsoon. Thank you so much. Inshallah. तो ये एक स्पॉट है, यहाँ से पिक ले सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, फोटोज लिए हैं मस्त मस्त. पब्लिक मचा रही है यहाँ पर, आंटी बच्चे फोटो ले रहे हैं. पापा आ गए अपनी झनक लेके भुवन मान की तरह चलते हुए. मिस्टर भुवन मान कैसे हो? यहाँ पर ना हर एक व्यू बहुत प्यारे हैं. वो जो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा अभी डिस्टेंस है वहाँ से इतनी तेज़ी से मतलब हवा शायद आ रही होगी. क्या कहते हैं, कैटाबेटिक और एनाबेटिक जो मेट्रोलॉजी इसने पढ़ी होगी, तो उस प्रकार से हवा रही. और ऐसा घुमाव के कारण एकदम साइक्लोन वाली मुद्रा में जो बन रहा है ना पहाड़, आप देख रहे होंगे ओनोग्राफिक क्लाउड्स. दीज आर कॉल्ड ओनोग्राफिक क्लाउड्स. वाह यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एवरीथिंग. एंड हियर इज आवर फोटोग्राफर. मुझे पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं. व्यू बहुत प्यारा. थोड़ी देर पहले हमने फोटोज ली थी तो वो जो गैप था बीच में दिख रहा था, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है. ऊपर वाले ने थोड़ा सा टाइम दिया फोटो वोटो खींचने का. यहाँ पर स्पॉट है, फोटो खींची आराम से, फिर से बारिश कर दी. क्या बताएं, है ना. तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड. आ गया था बम्पर, पापा ने देखा नहीं. तो ये ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड अगर आपने ये ब्लॉग अभी तक देखा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. और फिर से हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को, व्यूअर्स को बकरीद मुबारक. जय हिंद जय भारत. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.